श्री गुरु ग्रंथ साहिब के पहले प्रकाश पर्व के अवसर पर पैटलेगंज गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी श्री गुरु सिंह सभा के तत्वाधान में कथा कीर्तन दरबार के तहत गुरुवाणी कीर्तन, ब्लड डोनेशन कैंप तथा लंगर का आयोजन किया गया। इस दौरान सिख समाज के सैकड़ों लोग मौजूद रहे। प्रकाश उत्सव पर्व के अवसर पर गुरुद्वारा परिसर में शबद कीर्तन का आयोजन किया गया। इस दौरान सिख समाज के लोगों ने रक्तदान किया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए गुरुद्वारा कमेटी के गुरमीत सिंह ने कहा, आज ये कार्यक्रम जो है साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी के प्रकाश पर्व को समर्पित कार्यक्रम किया जा रहा है। 1604 ईस्वी में गुरु अर्जन साहिब पातशाह जी ने पहली बार सचखंड श्री हरिमंदर साहिब जी अमृतसर में गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश किया था, पोथी परमेश्वर का थान कहकर। उसी प्रकाश पर्व के मद्देनज़र आज पिछले 400 से अधिक सालों से जो है सिख संगत पूरे देश विदेश में जो है इस पर्व को मनाती आ रही है। उसी के उपलक्ष्य में आज गुरु ग्रंथ साहिब जी का पहला प्रकाश पर्व मनाया जा रहा है, जिसमें बाहर से हमारे पास गुरबाणी कीर्तन के लिए भाई बलदेव सिंह जी बुलंदपुरी, भाई सरबजीत सिंह जी नूरपुरी और गुरुद्वारा मोहतीपुर जटाशंकर एवं पैडलेगंज के जो सिंह साहबान रागी साहबान हैं वो अपने गुरबाणी कीर्तन से संगत को निहाल कर रहे हैं। गुरु ग्रंथ साहिब जी पातशाह सर्वसांझी वार्ता का उपदेश देते हैं। गुरु साहिब जी कहते हैं, सभ्य सांझीवाल सदायन कोई न दिस बहारा जियो। गुरु साहिब जी कहते हैं कि इस दुनिया में, इस जगत में कोई भी बाहरी नहीं है, सभी मनुष्य एक ही परमात्मा के बनाए हुए हैं, एक पिता एकच के हम बारक तू मेरा गुरहाई। उसी गुरु साहिब के देशों पर चलते हुए उनके मार्ग पर चलते हुए उस प्रकाश पर्व को समर्पित आज ये मुख्य दीवान गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा पैडलेगंज गोरखपुर में आयोजित किया जा रहा है। इसी क्रम में शाम में भी आज 7:30 से 10:30 तक के जो हैं समागम दीवान सजाए जाएंगे। इसमें गुरबाणी कथा कीर्तन के द्वारा संगत को लाभ प्राप्त होगा, संगत लाभ प्राप्त करेगी। इसी क्रम में आज मानवता के लिए, रक्षा के लिए लोगों को रक्तदान की एक जो शिविर है वो भाई कन्हैया जी सेवा दल द्वारा नीचे दान शिविर लगाया जा रहा है। इसमें बढ़ चढ़ के नौजवान, महिलाएँ, बुजुर्ग, बच्चे अपने ब्लड डोनेशन करके जो है मानवता के कल्याण में अपनी सहभागिता सुनिश्चित कर रहे हैं। आज के इस पावन अवसर पे गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी पैडलेगंज की ओर से देश विदेश की समूह संगतों को, समूह नानक नाम लेवा संगतों को सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पावन प्रकाश पर्व की बेअंत बेअंत बधाइयाँ हों। सतगुरु जी कृपा करें, हम सबके जीवन में सद्मार्ग, सुख शांति कायम हो। गुरु के बताए मार्ग पे चल के लोक कल्याण की जो एक कामना है वो हम सब करें एवं जगत कल्याण हो। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।